नई सरकार बनने के साथ ही प्रदेश में कर्मचारी महासंघ पर कब्जा जमाने की जद्दोजहद भी तेज हो गई है। वर्तमान में सुरेंद्र ठाकुर गुट और विनोद कुमार गुट महासंघ पर आधिपत्य जमाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। कर्मचारी महासंघ की नवनियुक्त तदर्थ कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार ने सभी कर्मचारी नेताओं से गुटबाजी छोड़कर एक मंच पर आने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की तदर्थ कमेटी ने सभी कर्मचारियों को एक मंच पर आने का आह्वान किया है। तदर्थ कमेटी के अध्यक्ष व संयोजक विनोद कुमार ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान साफ किया कि कर्मचारियों की खंड, जिला और राज्य स्तरीय कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी, जिसमें पूरे प्रदेश के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कर्मचारी नेताओं से गुटबाजी छोड़ एक मंच पर आने की अपील की, ताकि कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दे सरकार के समक्ष उठाए जा सकें और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने जहां पूर्व की कांग्रेस सरकार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए, वहीं महंगाई भत्ते और 8% की अंतरिम राहत देने के लिए जयराम सरकार का आभार जताया। विनोद कुमार ने जनजाति व दुर्गम क्षेत्र में कर्मचारियों को मिलने वाले अग्रिम वेतन को बंद करने के लिए कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया और वर्तमान सरकार से इसे फिर से बहाल करने की मांग की, ताकि इन क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित न हो सके और कर्मचारी इन क्षेत्रों में जाने से गुरेज न करें। पिछले दिनों बिलासपुर के अंदर महासंघ के पूरे स्टेट भर के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। उसमें फैसला हुआ था कि जो महासंघ पूर्व कांग्रेस सरकार के समय से मान्यता प्राप्त था, उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कोई फेडरल हाउस की बैठक नहीं बुलाई और उसमें यह फैसला लिया गया था कि मतलब महासंघ बिलासपुर के अंदर जो कमेटी बनी थी वो पूर्व महासंघ के नेताओं को नोटिस जारी करेगी 10 दिनों के लिए कि आप चुनाव घोषणा करें और चुनाव कराएं पूरे स्टेट के। वो ऐसा करने में असफल रही और उसको करते हुए जो महासंघ का संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार आज यहाँ शिमला की बैठक के अंदर पूरे हर जिला से हमारे जिला संयोजक आए हैं, तो उसमें आज हमने पूरे स्टेट का चुनावी प्रक्रिया जारी की है, खंड स्तर से लेकर विभागीय इकाइयाँ और जिला। उसके बाद हम 15 अप्रैल तक राज्य का गठन कर देंगे। उसके साथ साथ कर्मचारियों को एक मंच पर लाया जाएगा। महासंघ एक बड़ा सख्त संगठन है, 68 में बना संगठन, 79 में जेसीसी की मान्यता सरकार ने प्राप्त दी थी। इसका दुरुपयोग ना हो, कर्मचारियों की समस्या सरकार के समक्ष रखें और सरकार और कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल बने। विनोद कुमार ने महासंघ की लड़ाई पर पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि महासंघ करीब 2.5 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है और कर्मचारी जिसे बहुमत से चुनेगा उसे ही सरकार मान्यता देगी। तबादलों को लेकर हो रही बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस कार्यकाल में राजनीतिक प्रतिशोध के चलते कर्मचारियों को न्यायालय का रुख करना पड़ा था और फिर सरकार ने ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन किया ताकि कर्मचारी न्यायालय में ना जा सके। विपक्षी दल तबादलों को लेकर बात कह रहे हैं। पूर्व सरकार के समय जब पॉलिटिकल ट्रांसफरें होती थी बहुत मतलब संख्या में, तो उस वक्त माननीय उच्च न्यायालय ने काफ़ी कड़े फैसले लिए, काफ़ी सख्त टिप्पणियाँ की और सरकार उससे जब असहज सरकार अपने आप को महसूस किया तो उन्होंने हमारे जो हाईकोर्ट के जो हमारे मतलब पैरवी होती थी मामलों की वो ट्रिब्यूनल को मतलब ट्रांसफर कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।